हेलो जी, राम राम सबको। वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस, समुंदर हो और वहाँ पे हस्बैंड वाइफ का प्यार ना जागे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने अंकित को बोला कि ये दिल बना के उसमें मेरा नाम लिखो। तो यहाँ पे वो कोशिश कर रहे थे, और जो समुंदर की लहरें थी वो भी कोशिश कर रही थी पूरा उसको मिटाने के लिए। फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे बना दिया था, थोड़ी इसमें खुश हो गई थी। तो यहाँ पे फिर रिलेशन की चल रही है मस्ती है गाइस यहाँ पे। और ये अंकित भी आ गए हैं अपनी बेटी के पास, पापा और पापा की परी। देखते क्या रास्ते अब यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ पे लीशु ने मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया है, और अंकित बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहे, वो भी खुश हो रही है कि भाई वो मिट्टी पे मिट्टी डाले जा रही है अंकित पे। लीशु को भी मजा आ रहा है और अंकित को भी मजा आ रहा है यहाँ पे, पानी में नहा के और अब वो मिट्टी से नहा रहे हैं। मस्तियां खूब चल रही है यहाँ पे पापा और बेटे की। लो भाई, जल पड़ा मेरा। अब मुदा लेट गया है, अब पता नहीं क्या चलेगी इनकी। तो गाइस, मस्तियां मतलब फुल चल रही है पापा और बेटे की। तो पीछे से आकाश भी आ रहा है नहा के। यहाँ आके गाइस बहुत मजा आ रहा है। ओ माय गॉड, आकाश ने तो मतलब मामा और भांजे की, मामा कुछ कुछ तो भांजा सब कुछ। तो आकाश ने यहाँ पे मामा को पूरा मिट्टी से कवर करना स्टार्ट कर दिया, और लीशा को यहाँ पे जलन हो रही है कि वो मेरे पापा को दबा रहा है कोई। तो गाय समुंदर भी आके ऐसे पैर के ऊपर रख के मतलब मिट्टी से झोपड़े बनाते हैं, और यहाँ पे अंकित ने खुद ही अपने ऊपर मतलब मिट्टी डलवा रहे हैं। पूरा झोपड़ी बनाएंगे, क्या बनाएंगे पता नहीं, पूरा दबा रहे अपने आप को। तीनों को फुल मजा आ रहा है। आकाश यहाँ पे मिट्टी मतलब उसके ऊपर डाल रही है अंकित के ऊपर, और लीशु उसको हटा रही है। मेहनत यहाँ पे आकाश की बेकार जा रही है, और फौजी साहब फुल मजे में है। तो गाइज, मामा भांजे की जो मस्ती आसपास मतलब आसपास में जो भी पब्लिक तो देख रही थी ये क्या कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कितनी सारी मिट्टी ढाल दिया आकाश ने तो भाई। मामा भांजे के पूरे उल्टे काम चल रहे हैं यहाँ पे। कोई पहले नहाए हैं फिर मिट्टी में नहा रहे हैं। अब इन तीनों ने यहाँ पे बीच पे आके फुल मजे लिए हैं गाइस। दोपहर का टाइम था फिर भी पब्लिक जो आई हुई थी वो मजे ही ले रही थी बीच पे आके। कोई वीडियो बना रहा था, कोई घूम रहा था। तो मेरे भी पैर गंदे हो गए, तो मैं भी पैर धो के आई। गंदे तो क्या, चप्पल मैंने पहने हुए नहीं थे गाइस। तो फिर मिट्टी में होने के बाद फिर दोबारा ये चले गए समुंदर में नहाने के लिए। लीशु भी यहाँ बिल्कुल गंदी हो गई थी रेती में ऐसे। तो आकाश उसको नहला रहा है गाइस यहाँ पे। गाइस, जो समुंदर के आगे का जो पानी बिल्कुल रेती है उसमें। तो आका यहाँ पे लीशु को नहला रहा है। आकाश नू नहीं, इन कर के नू नू तो पानी उड़ जाएगा। बस बस बस, थोड़ा मुंह धो दे साढ़े उड़ दे ले जाएगा। आकाश नहीं लगा वो चश्मा खो गया, उन्हें मेरा मेरा ये पड़ा था, उन्हें पा गया। तो गाइज यहाँ पे लिए अंकित ने एक और नुकसान कर दिया फिर से दोबारा। पहले उन्होंने वहां सोमनाथ मंदिर में जो समुंदर था हम फोटो क्लिक कर रहे थे वहां पे भी चश्मा खो दिया था, और यहाँ पे भी चश्मा खो दिया। फिर भी ये चश्मा मतलब मिल गया था गाइज। तो फिर से लीशु गंदी हो गई थी, फिर से अंकित उसको दोबारा नहलाने के लिए लेके गए हैं। कम से कम 3-4 बार उसको नहलाया यहाँ पे। तो चश्मा वैसे मिल गया था गाइज। वैसे यहाँ आके बहुत मजा आया, बीच बहुत ही अच्छा था, घूमने भी यहाँ मतलब आके रिलैक्स ही फील हुआ गाइज। तो
द्वारका में घूम के और समुन्द्र पे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा गाइस।